जय श्री राम भाई सभी को। और आज जैसे कि हनुमान जन्मोत्सव है तो आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आज का मैं ब्लॉग भी हॉस्टल से शुरू कर रहा हूँ। अभी तो क्या कहते हैं सुबह उठ के ब्रश करके अभी ब्रेकफास्ट करने आया हूँ और अभी जाएंगे इसके बाद मंदिर। आज मंदिर में यहाँ पे साईं मंदिर में भंडारा भी है 12 बजे 12:30 के करीब, तो वहाँ भी जाएंगे। तो अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लिया है वैसे, अब उसके बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। और आज ब्रेकफास्ट में हमने यहाँ पे डोसा खाया है और आज मैं जिम भी जाऊँगा, बहुत दिनों के छूट रहा था। तो अब अच्छा जिम से पहले मैं 4 मील लूँगा कोई अच्छी तगड़े तगड़े, क्या डेड लिफ्ट मारने में कोई हैवी वेट से। और मौसम तो भाई बढ़िया ही हो रहा है, आपको दिखाता हूँ कैसा है। भाई मौसम देख लो कैसा हो रहा है, धूप हो रही है, यूँ कहते हैं देहरादून में ठंड रहती है। और ट्रैफिक चल रहा है और आज मेरी क्लास है नहीं कोई, देख लो UPS। और अब मैं सुबह से अब आ रहा हूँ भाई कॉलेज जिम करने, क्योंकि टीचर्स ऐसे भाई क्लास कैंसिल कर देते हैं। और अब देखो अगर आपको वैसे मेरे से ना बहुत इंस्टा पे भी DM आ रहे थे कि भाई कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है या फिर आपको उस कोर्स में हो कैसी प्लेसमेंट है ये वो। तो भाई इसके रिगार्डिंग ना मैंने एक साइट ढूंढी थी, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। तो उसमें हमारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भी है और एक गूगल फॉर्म भी है जिससे कि आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो, और उनके नंबर भी डाल दिए मैंने, तो उनको कॉन्टैक्ट कर लेना। तो और अभी ये एनरोलमेंट ऑफिस है, यहाँ पर आके एडमिशन होता है। अब सामने जिम है, सबको पता ही है, देखते रहते हो, तो अभी जिम जाऊंगा आज। वैसे आप टी शर्ट देख के पहचान गए होंगे कौन सा वर्कआउट करने वाला हूँ मैं, किस चीज़ का। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी पहले वो नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ये वाली टी शर्ट ज़्यादातर मैं बैक और बाइसेप के वर्कआउट में पहनता हूँ। तो अब क्योंकि इसमें पंप अच्छा दिखता है, फिटिंग की है ना थोड़ी, तो अब आ जाते हैं जिम चलते हैं। और उसकी लिंक आप देख लेना, आपके लिए हेल्प होगी, क्योंकि मैंने भी देखी थी तो उन्होंने बहुत काफ़ी अच्छे से समझाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फ्री में समझाते हैं, मतलब कोई वो नहीं लेंगे चार्जेस। तो आप उनसे कोई सा भी सवाल पूछो, कुछ भी पूछो, कितनी देर पूछो, फ्री है सब, ठीक है। और मौसम देख लो आज अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की धूप है, हवा चल रही है, पत्ते टूट रहे हैं। अब जिम में एंट्री करते हैं, 2-2.5 हफ्ते बाद जा रहा हूँ, अभी तो खाली है। मैं आ गया और अभी तो खाली ही है, तो आज अब अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ बैक का। पहले वार्म अप करूँगा पुलअप से, अंधेरा सा अच्छा उस साइड है। आपकी पहचान ये होती है पहचान, पर्दी का जिसके हाथ ऐसे लो, रोहन लग रहा है बेचे। आउट हो गया, पंप भी कर लिया, कुछ ऐसा है।
अब शांति होगी जिम में भाई, फोकस हो गया भाई। हॉस्टल आ चुके हैं अब जिम के बाद करके, और आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ भाई, भाई सर ने भी सही पंप पाया जिम के बाद, इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाया। एक तो क्या बार बार कोई ना कोई मिलता रहता दोस्त, तो फिर वीडियो हमसे बननी रही, जिम में भी ज़्यादा इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अगर जिम में ज़्यादा बनाने लगता है ना वीडियो तो फिर अच्छे से जिम नहीं लग पाता। और भाई मर्दों की पहचान तो मैंने आपको बता दी भाई, हाथ देख लो, जिनके ऐसे हाथ नहीं है ना वो मर्द नहीं फिर, और भाई वो भी नहीं होते जो गोलगप्पे खाते हैं। तू गोलगप्पे खाता है बता, गोलगप्पे खाता है? अबे तू मना कर रहा है क्या? मैंने बताना, चल तेरा मुंह नहीं दिखा रहा, चल सच बता, बचपन में भी कभी नहीं खाए? फिर तो भाई तो मर्द ही नहीं भाई, मेरी तरह बन, मैंने नहीं खाया उस तक गोलगप्पे भाई, मर्द हूँ भाई, औरतें खाती हैं गोलगप्पे। चल अपने हाथ दिखा कैसे है, हाथ हाथ दिखा, तेरा मुंह नहीं ले रहा, हाथ दिखा ऐसे करके, ऐसे करके हाथ दिखा भाई, देखिए होते हैं मर्द के हाथ, ठीक है? चलो जी में जाओ, बंदियों में लगे रहेंगे भाई, ऐसे हो सिद्धार्थ भाई। जो कॉलेज के बाहर ये कपल घूमते रहते हैं हाथ पकड़ के जिम नहीं जाते, ये वो भाई, वो है मर्द असली, तू खुद बता। अरे छपरी है साले, है ना भाई। सुनो, औरत शादी से पहले अच्छी लगती, शादी के बाद अच्छी लगती है, तो भाई मैं कहूँ भी इज्जत करो। अब तुम शादी से पहले कॉलेज के बाहर घूम रहे हो भाई, जिम तुम जाते नहीं, तुम्हारी बंदियां मैं उठा के ले जाऊंगा, इतना जोर रखता हूँ जिम जाके, हैं भाई है ना। ये क्या है? वो लड़की कौन थी जिसके साथ घूम रहा था? मैं भाई, मैं तो कॉलेज में बहन बना था बस। नहीं लग, मेरे दोस्त की बंदी थी, वो तेरे साथ कैसे घूम रही है? तो वही तो मैं उठा के ले जाता हूँ भाई, दूसरों की बंदी, बदमाशी उन टोप देख रहा भाई साहब। मंदिर नहीं जा रहे ना वो, ना मर गए या जो भूल गए हो, सुबह सुबह भूल गए हो भाई, और अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हो, तो भाई उन तो रहन दो, क्या ना छोड़ दो, ना मर दो, तुम ना मर्द भी, और तुम हिंदू भी नहीं भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। कट इसका चा, इसका क्या है, इंस्टाग्राम पेज है कट्टर सनातनी हिंदू, प्लीज फॉलो करिए। तो भाई अब हॉस्टल के बाहर आ गए और अब चलते हैं मंदिर, क्योंकि आज इधर से चलना भाई, क्योंकि आज हनुमान जी हनुमान जन्मोत्सव है, तो मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे। सुबह तो मैं जा नहीं पाया था, मेरे को ज़्यादातर रात को जाता हूँ मैं मंदिर, रात को मेरे में आस्था आती है। अब मंदिर चलते हैं, रोड का कुछ ऐसा नज़ारा है, कम है भीड़, खाली है। हनुमान जी से लोगों का प्यार देख रहे हो कितना है भाई, कितनी भीड़ है यार, लाइन लग रही है वहाँ पे, देखो यार, होना चाहिए ऐसे, सही है भाई। मैं भी आ गया, अब दर्शन करते हैं पहले, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू क्या, अब तो रात ही हो गई, एंड करना है। गाइस देख रहे हो किस्मत कितनी अच्छी है, अभी हम मंदिर आए थे, तो जो मंदिर में जो भी होते हैं मतलब पंडित पंडित जी जो भी होते हैं, तो उनकी वाइफ थी जो भी थी गांव के लोकल, तो जैसे बच्चों ने बहुत सारा प्रसाद चढ़ा रखा था, तो वो बस वहीं रखा था हनुमान जी के आगे। तो अब जैसे शाम भी हो गई थी, तो उन्होंने हम उस टाइम मैं दर्शन कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप ये सारा प्रसाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो काफ़ी सारे बच्चे थे ये बैठे देखो, तो फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो भाई देखो आज के दिन हनुमान जी ने चाहा, देखो मेरे हाथ से लोगों का चढ़ाए हुआ प्रसाद भी इन बच्चों में बट गया, और ये मैं खा भी रहा हूँ लास्ट का लड्डू। और अब आज के व्लॉग को इतने रखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, उस पर भी बहुत कंटेंट डालता रहता हूँ मैं। ओके बाय बाय।